नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिंदास स्वाद में स्वागत है। दोस्तों आज हम बनारस की स्पेशल लस्सी बनाने जा रहे हैं। तो स्पेशल लस्सी बनाने के लिए हमें इसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाना होगा। तो हम सबसे पहले, आप देख सकते हैं, हमने दूध ले लिया है। ये मैं 9 से 10 लोगों के लिए लस्सी तैयार कर रही हूँ। तो हमारा 3 लीटर दूध है, तो हम इसे ट्रेडिशनल तरीके से पकाएंगे। हम इसे चूल्हे पे पकाएंगे और लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका पैकेट काट के ये दूध निकाल लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने लोहे की कढ़ाई में दूध को पकने के लिए रख दिया है चूल्हे के ऊपर। तो ऐसा करने से हमारे दूध में स्मोकी फ्लेवर आएगा और हमारा जो लस्सी है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। दोस्तों जितना हो सके मैं उतना ट्रेडिशनल तरीके से इसको बनाने का तरीका आपको बताऊंगी, तो मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा दूध अच्छे से पक गया है। इसे हमने उबाल आने के बाद अच्छे से 15 से 20 मिनट तक खूब अच्छे से मीडियम आंच पे पका लिया है। तब हम दूध को चूल्हे पे से हटा लेंगे और आगे हम दिखाएंगे कि हम अपनी दही कैसे बना रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने दूध को एक बर्तन में निकाल लिया है। तो ये हमने इसको अच्छे से फैला के एक बड़े बर्तन में रखा है ताकि जब हम लस्सी बनाएं तो इसमें इतनी मलाई रहे जितने की 8-9 लोगों के लिए जो है कि लस्सी के ऊपर डालने के लिए भरपूर हो। तो हमने एक बड़े बर्तन में, बड़ी सी थाली में इसको अच्छे से फैला के रख दिया है ताकि पूरे में अच्छी सी मलाई जम जाए। तो दोस्तों इस तरीके से बनाएंगे आप अगर लस्सी, तो आपकी लस्सी बहुत बढ़िया बनेगी, क्योंकि बनारस की लस्सी में जो स्पेशल उसकी मलाई ही होती है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर से रखिएगा। तो ये हमने ठंडा होने के लिए दूध को रख दिया है। तो जैसे ही ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हमारा दूध बिल्कुल गुनगुना गर्म रहेगा, तब हम इसमें जो है कि दही का जामन डाल देंगे। दोस्तों हमारा दूध ठंडा हो गया है, तो हम इसमें जामन डालेंगे। तो दोस्तों हमने 3 लीटर दूध के लिए 4 चम्मच के करीब जामन ले लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम उसमें दूध में से 1 या 2 कलछुल इसमें दूध डाल के मिलाएंगे। इसके अंदर हम दूध डालेंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे। फिर ये सारा जामुन हम दूध के अंदर मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों हमने दूध के अंदर दही के जामुन को डाल दिया है, तो इसे मैं थोड़ा मिक्स कर दूंगी और इसे अच्छे से ढक कर के रख दूंगी। तो हम अपनी लस्सी सुबह बनाएंगे, तो ये रात के समय पे ये सारा काम मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं सुबह दिखाऊंगी कि हमारी लस्सी कैसी बन रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं, सुबह हो गई है और हमारी दही भी कितनी बढ़िया जम गई है। हमारी दही अच्छे से जम गई थी तो हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो हम अपनी लस्सी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहले मलाई को निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे ताकि जब हम लस्सी बनाएं तो अपनी मलाई को उसके ऊपर डाल सकें। तो हमने एक ये प्लेन जो है पलटा ले लिया है जिससे कि हमारी मलाई आसानी से उतर जाए। तो ऐसे ही हम मलाई को निकाल लेंगे। तो दोस्तों अपनी लस्सी बनाने के लिए हमने मटकी जैसा बर्तन एक ले लिया है। तो इसमें हम अभी फ़िलहाल में 2 से 3 लोगों को बनाएंगे, तो उसी हिसाब से हम इसमें दही डाल लेंगे। तो दोस्तों हमने इसमें 3 लोगों के हिसाब से दही ले ली है। तो अब हमने एक मथनी ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे और उसी हिसाब से हम इसमें चीनी डालेंगे। दोस्तों 3 लोगों के लिए बना रहे हैं तो हम 3 मीडियम साइज के चम्मच से चीनी डाल रहे हैं इसमें। हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमारा ये जो लस्सी है ठंडा बने, इसके लिए हम थोड़े से बर्फ के टुकड़े डालेंगे इसमें। तो दोस्तों अब इसे अच्छे से हम मथेंगे। दोस्तों अगर आपको बनारस की स्पेशल लस्सी पीनी है तो इस तरीके से आप बनाइए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। और एक बार इस तरीके से आप लस्सी बना के पी लेंगे तो आप बार बार मन बनाएंगे कि आप इस तरह की लस्सी घर में बनाएं और अपने घर के लोगों को पिलाएं। इसे अच्छे से फेंटना है ताकि इसके अंदर की चीनी अच्छे से घुल जाए दही के अंदर।
दोस्तों हम थोड़ा सा इसमें रूह अफ़ज़ा डाल देंगे ताकि इसमें अच्छा खुशबू और अच्छा फ्लेवर आ सके, और फिर से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हमारी लस्सी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं हमने कुल्हड़ को रख लिया है, बनारस में लस्सी कुल्हड़ में देते हैं, तो हम उसी स्टाइल से इसे सर्व कर रहे हैं। दोस्तों हमने इसे सर्व कर दिया है। अब हमने जो मलाई निकाल रखी थी ऊपर से, उसे इसके ऊपर फैला देंगे। दोस्तों हमने इसे मलाई भी लगा दी है, आप देख सकते हैं। अब हमने जो रूह अफ़ज़ा लिया था थोड़ा सा इसमें ऊपर से हम डाल देंगे। हमने इसको थोड़ा सा सिरप जैसा बना रखा है, गाढ़ा नहीं है ये, तेजली ये इस पर चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारी लस्सी हमने सर्व कर दी है। तो इसे ठंडा ठंडा ही लोगों को दीजिए पीने के लिए, और इसके साथ एक चम्मच लगा देंगे ताकि इसके ऊपर जो मलाई है इजली चम्मच की सहायता से खा सके। तो दोस्तों ये बनारस की स्पेशल लस्सी बनाने का मेरा ये तरीका अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।